बल्दी राय इब्राहिमपुर में बवाल के बाद इंसाफ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान। सुल्तानपुरा समाजवादी पार्टी के सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान के नेतृत्व में बल्दी राय थाना इब्राहिमपुर में हुए घटना के संबंध में विभिन्न मांगों को लेकर डीएम रविश गुप्ता के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजा और कहा इस घटना में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ न्यायिक जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए और किसी को बेवजह परेशान न किया जाए। इसमें समाजवादी पार्टी के सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव, वरिष्ठ नेता मकसूद आलम, राजू चौधरी देवता वाद वार्ड सपाई मौजूद थे। देखिए जो घटना 10 तारीख को घटी वो दुखद है ना। कुछ मूर्तियों को नुकसान किया गया, मस्जिद को नुकसान किया गया। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हाई लेवल जांच हो और जांच करके जिन लोगों ने मूर्त को खंडित करने का काम किया है, जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ने का काम किया है, मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, जिन लोगों ने नए गाड़ियों को, जिन लोगों ने दुकानों को, जिन लोगों ने घर जलाने का काम किया है, सबके खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने माहौल को ख़राब करने का काम किया है, हम सब यहाँ पर एक परिवार के साथ रहते हैं। पूरे सुल्तानपुर में अमन कायम रहा, हमेशा इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई जल्दी कोई घटना नहीं हुई और ये घटना थी, एक इसको दंगा नहीं कहेंगे आप, एक घटना घट गई। और ये मैं शासन प्रशासन का भी मैं इसमें बहुत बड़ा रोल रहा बचाने में कि आग बहुत दूसरे गांव में नहीं फैली, कंट्रोल रहा, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने भी, आप सब ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से हम लोग मिल करके और कंटिन्यू उसी टाइम से जिस टाइम से घटना हुई है, मैं कंटिन्यू, आप लोग हमारे पर कमेंट भी किए, मैं कंटिन्यू अधिकारियों के टच में हूँ। जिलाधिकारी से बात हो रही है, SDM से बात हो रही है, SP से बात हो रही है, कंटिन्यू हम टच में हैं और आवाम से बात हो रही है, हिंदू मुसलमान दोनों से बात हो रही है। और यही कहा जा रहा है, सबको समझाया भी जा रहा है कि किसी तरीके से आग न फैलने पाए। हमने अपने सभी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को फ़ोन कर करके कहा कि भैया किसी तरीके से मामले को यहीं कंट्रोल हो जाए, किसी दूसरे गाँव में ये आग न फैलने पाए। ये मुझे यकीन है कि महामहिम हमारे संगठन ने, समाजवादी पार्टी ने, जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे पूरे जिलावाड़ी ने, आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति को, और हमने जो है महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है जो है, और जो है हमें यकीन है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय हमारे भारत के और हमारे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, ये हमें यकीन है कि आवाम के साथ इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे, भरोसा रहा है मेरे को। फिर से आप क्वेश्चन चलवा देंगे, उन पर क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए उस पर सब पे जो है हम आप यकीन दिलाते हैं कि कार्रवाई होगी और भरोसा रखिए, हम आज जो यहाँ पर बात हुई है ऊपर भी अधिकारियों से मीटिंग चल रही है, अभी जल्दी फिर मीटिंग होगी और ये भरोसा रखिए जो भी लोग होंगे इस काम में, चाहे वो मतलब किसी भी जात धर्म के होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे जिन्होंने मूर्ति या मस्जिद को नुकसान किया या जो शासन प्रशासन के लोगों ने भी अगर कहीं लापरवाही की उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी जो है।